नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और इस वक्त आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके 24/7 न्यूज में, क्योंकि मुद्दा रूस और यूक्रेन का सबसे बड़ा है, इसलिए आज मुद्दा यही हमने चुना है, क्योंकि जंग का अंत कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कल लग रहा था कि जंग का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके विपरीत एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो यूक्रेन की तरफ से भी जानकारी दी गई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे जो बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई जंग का अंत अब बेहद करीब है, क्योंकि कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सुपर पावर देशों का भी जिक्र करना होगा, बात चीन की होगी, बात अमेरिका की होगी। तो शुरुआत करते हैं और इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जंग का अंत होगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, आज 35 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच जंग को। यूक्रेन का दावा है कि रूस का कीव से पीछे सेना को हटाना ध्यान भटकाने वाली बात थी, और अमेरिका बोला है कि रूसी सैनिक घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि कल ही एक टेबल पर बैठा गया था जब कहा गया था कि सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और 35वें दिन भी जंग लगातार जारी है। आपको जानकारी दे रहे हैं, यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव से पीछे हटना सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश की गई थी, ऐसा कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कीव में लगातार बमबारी जारी है और सैनिकों की रणनीति भी बदल रही है, क्योंकि 35वें दिन जंग जारी है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूक्रेन इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया की तरफ से जो प्लानिंग है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं, और जो सैनिकों की बात खास तौर पर कही जा रही थी कीव से पीछे होंगे, लेकिन वो वहीं पर नजर आ रहे हैं और रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है। ये दरअसल यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, और अमेरिका ये कह रहा है कि सैनिक डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे हैं। यानी यूक्रेन और अमेरिका का इस वक्त दावा जो किया गया है वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से आपकी मुलाकात कराते हैं। टीपी त्यागी साहब हैं, टीपी त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आभार आपका, आप एक बार फिर आए, खुशी हुई। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए 1:30 बजे में, और आपका आभार सर। टीपी त्यागी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कल बातचीत हुई, हमने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं नरम तेवर पड़ते हुए दोनों देशों को नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर हम बता रहे हैं, यूक्रेन कह रहा है वो तो ध्यान भटकाने की कोशिश थी और अमेरिका और घी डालने का काम कर रहा है, अमेरिका की तरफ से भी बयान यही आया है। जी हाँ, अमेरिका कह रहा है कि हम जानते हैं कि रूस के मन में धोखा है, और यूक्रेन कह रहा है कि हम मान तो लेते हैं लेकिन हम शब्दों पर विश्वास नहीं करते। ऑलराइट, यूक्रेन ने करीब करीब ये कल क्लियर कर दिया था कि मैं अपने यहाँ दूसरे देशों की सेना को नहीं आने दूंगा। उसने ये भी क्लियर कर दिया था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। उधर रशिया ने भी ये कह दिया था कि हम डीनाजिफिकेशन के ऊपर जोर नहीं देंगे। सीज फायर के ऊपर बात रुक गई थी, और सीज फायर के लिए जो कुछ बात होगी वो लिखित में होगी। बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ हो पाता इससे पहले रशिया ने अपनी नीति में कुछ बदलाव किए। अब उन बदलावों को समझने की जरूरत है। पहला बदलाव उसने क्या किया कि वो कीव से पीछे हटा। वो कीव से पीछे इसलिए नहीं हटा, कीव से पीछे हटा, विड्रॉल इज ए ऑपरेशन इन मिलिट्री टैक्टिक्स, जैसे एडवांस, अटैक, डिफेंस, ऐसे ही एक ऑपरेशन होती है विड्रॉल। वो पीछे हटा, पीछे हटने के बाद उसने क्या किया, खबरें मिली थी कि उसने अपने डिफेंसिव पोजीशंस के सामने एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस लगा ली। ये तब लगाई जाती है जब आप डिफेंसिव पोस्चर में आते हैं, यानी कि रूस कीव के लिए अब तक अटैकिंग पोस्चर में था और अब डिफेंसिव पोस्चर में आया, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव जो रशिया ने किया, उसके पास वेपन्स की कमी नहीं है लेकिन सैनिकों की कुछ कमी पड़ रही है, तो उसने अपने खूंखार उन अपराधियों को, उन कैदियों को जो मर्डर के या लूटपाट के मामले में बंदी थे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कहा
कि हम तुम्हें आर्मी में शामिल करेंगे, आर्मी की सूक्ष्म ट्रेनिंग देंगे, आपको वहां लड़ने के लिए भेजेंगे, अगर आप जिंदा वापस आ गए तो फिर आपको न केवल आपकी सजा माफ कर दी जाएगी बल्कि आपको आर्मी में भी रखा जाएगा और आपको सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे उन्होंने अपने नए कैदियों को लिया। इसके साथ उन्होंने सीरिया में भी जो अपने लड़ाके हैं उनको भी यूक्रेन युद्ध में उतारने की प्लान बनाई है। अब ये क्या बताती है? ये नहीं बताती कि युद्ध कल शाम तक खत्म हो जाएगा, ये बताती है कि युद्ध कंटिन्यू होगा। और युद्ध जब कंटिन्यू होगा तो केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये बात आगे रक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र सिंह जी बताएंगे। जी चौहान साहब, जिस तरीके से टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं, क्या वाकई सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक टेबल पर आया गया तो थोड़ी सी शांति होगी, नरम तेवर पड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा था। और टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं कि हाँ, रणनीति पे बदलाव हुआ और वो आगे की प्लानिंग के लिए हुआ, क्योंकि पुतिन साहब के लिए ये खास तौर पर माना जाता है। गलती हो गई, चलिए ठीक है, लेकिन तुरंत फटाफट से बदलते हैं पुतिन साहब, और वही अभी हमें देखने को मिला, अगर मैं सही हूं तो। चौहान साहब, आपके चैनल पे हो रही थी तो मैंने एक चीज कहा था कि देखिए, अगर दो देश निगोशिएटिंग टेबल पर हैं, यूक्रेन एंड रशिया, तब तो बातचीत होने की संभावना है। लेकिन अगर वो उनका यूक्रेन के पीछे नाटो है और नाटो कंट्रीज का है और उसके कहने से चल रहा, तो समझौता ये नहीं होगा। और वही बात इसके अंदर हुई है। देखिए, जब समझौता हुआ तो यूक्रेन ने कहा कि ठीक है, मैं न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन अपने देश में किसी की दूसरी की सेनाएं भी नहीं आने दूंगा। तक उसने बात, लेकिन उसने साथ में एक शर्त और रख दी कि हमें एक सुरक्षा की गारंटी चाहिए। वो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? नाटो कंट्रीज देंगे। अब नाटो कंट्रीज सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगी? जब तक कि वो अपनी सेना नहीं भेजेंगी तो गारंटी कैसे देंगी, पहली चीज। दूसरी कंडीशन उसने ये रखी कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो नाटो कंट्रीज इंश्योर करेंगी कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वो इंश्योर भी करेंगी। तो आपने दोबारा क्या किया, नाटो को उसके अंदर बीच में लेके आ गया, क्योंकि रशिया ने बहुत क्लियरली कहा था कि आप इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो सकते हैं, उसको मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरा कंसर्न केवल यह है कि आप हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। कि बातचीत चल रही थी, उसी बीच के अंदर अमेरिका के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए, और बाइडेन ने क्या किया, नाटो कंट्रीज के जो बाकी देश थे, जर्मनी और ब्रिटेन, उनसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने शुरू कर दिया, कांटेक्ट किया, और उनके स्टेटमेंट्स भी आने स्टार्ट हो गए। वो स्टेटमेंट कहीं भी ये नहीं थे कि यहाँ पे निगोशिएशन की तरफ बढ़ा जा सके। अभी जो ये दो इंफॉर्मेशन आई है कि रशियन ट्रुप्स कीव से और वापस नहीं जा रहे हैं, रीपोजिशनिंग हो रही है, ये इंफॉर्मेशन किसने दिया है? यूएसए की एजेंसी पेंटागन ने किया दिया है, और दूसरा ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दिया है। तो उन्होंने पहले ही, इससे पहले यूक्रेन कुछ कह पाता, उन्होंने सीधा दे दिया कि जो इनपुट मिल रहे हैं उसमें क्लियरली है कि रशिया कहीं पे विड्रॉ करने वाला नहीं है, और वो अपने ट्रुप्स की रीपोजिशनिंग कर रहा है, और बेसिकली वो ट्रुप्स का टर्न अराउंड कर रहा है। तो क्या एक जिसे कहते हैं आग में घी डालने का उन्होंने काम कर दिया। साथ में अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अपने टैंक्स पोलैंड को देने के लिए बात कर दी। पोलैंड कहा है, नेक्स्ट टू यूक्रेन बैठा। बिल्कुल, तो एक तरह से अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी तरह इसके अंदर शांति स्थापित हो। तो जब तक अगर ये नाटो कंट्री, ये यूक्रेन जो बातचीत कर रहा है अपने से नाटो कंट्रीज को अलग नहीं करेगा, तब तक कोई समझौता होने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, ये चीज अच्छी ध्यान रखने वाली। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लग भी रहा है चौहान साहब, जिस तरीके से अमेरिका के बयान सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल आग लगाने की और कोशिश की जा रही है, क्योंकि फायदा हो रहा है ना, और अमेरिका का फायदा जब भी होता है, अमेरिका कुछ भी कर गुजरता है, फायदा बस होना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रहा हूं तुरंत टीपी त्यागी साहब आपके पास, क्योंकि खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है, और खबर इस वक्त आ गई है, क्योंकि आज लगातार हम देख रहे हैं, जब 35वां दिन हो गया है, तो खार्किव, डेनिप्रो और पोल्टावा में कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कीव, जाइटोमीर में भी इस वक्त गोले बरस रहे हैं, जो जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है, और हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने लगातार, हम देख रहे हैं, बमबारी हो रही है, और राष्ट्रपति यूक्रेन के पुतिन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ शहर हैं, डेनिप्रो, पोल्टावा, खार्किव, जहां पर धमाकों की आवाज
अभी भी सुनाई दे रही है और जानकारी इस वक्त की बड़ी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बमबारी लगातार जारी है और बमबारी किस किस शहर में हो रही है, देनिप्रो, पोल्टावा, कीव, जाइटोमीर, ये तमाम शहर हैं, इन इलाकों के नाम हम आपको बता रहे हैं, शहरों के नाम हम आपको बता रहे हैं जहां पर इस वक्त भी बमबारी जारी है। और यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुतिन खास तौर पर जो ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। टीपी त्यागी साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि कहा जा रहा था ना, जब पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि कीव से लगभग 62 से 64 किलोमीटर है सेना और रूस की जो काफिला था, क्या वजह रही कि वो वहीं पर अटक कर रह गया कीव के अंदर, हमने वो तस्वीरें नहीं देखी। जो रणनीति में, जो पॉलिसी में चेंजेस अब हम देख रहे हैं, अगर वो पहले ही किया जाए होता तो वाकई रूस को कामयाबी कीव के अंदर हासिल होती, क्योंकि कीव की तस्वीर कुछ अलग है जो अलग बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, एक बात तो ये कि कीव के ऊपर रशिया ने लीथल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी क्रूज मिसाइल और अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल कीव के ऊपर नहीं दागी, लवीव के ऊपर दागी, मारियोपोल में दागी, ना ही उन्होंने वैक्यूम बम का या किसी फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कीव में किया, नंबर वन। नंबर टू, कारण कुछ भी रहे हो, उन्होंने कीव के जो वेस्टर्न पार्ट में एयर डिफेंस सिस्टम है, जिन्हें वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो आज भी इंटैक्ट है। नंबर थ्री, कीव बिल्टअप एरिया होने के कारण रशिया डायरेक्टली उसमें एंटर नहीं हो सकता था, और कीव चूंकि कैपिटल है तो लिहाजा वहां पे टेरिटोरियल आर्मी की जो यूनिट्स थी, जिन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए और कीव के डिफरेंट हिस्सों में रह के उन्होंने एडवांसिंग रशियन कॉलम्स के ऊपर हमले किए। कीव के अंदर ही यूक्रेन के जो सिविलियंस थे, जिनको हथियार दिए गए, और जो कैदी थे जिन्हें छोड़ दिया गया, जिन्हें हथियार दिए गए, वो भी उनकी लीडरशिप से थोड़ा बहुत प्रभावित होके वो भी सामने खड़े हो गए। आपने सीन देखे होंगे कि रशिया के टैंक के सामने 10-15 नियत्ते आदमी खड़े हैं और कह रहे हैं कि रशियन गो बैक। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब रशिया की तरफ से ये कमांड दिया गया हो कि आपको सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं करनी है, कोलेट्रल डैमेज मिनिमम होना चाहिए, तो कोलेट्रल डैमेज को बचाने के लिए रशिया वहां पर इफेक्टिव और इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाया और इसलिए कीव के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया रशिया। लेकिन कीव पे कब्जा करना उसकी प्लान में था ही नहीं। अरे बात सोचिए, दरअसल में रशिया अपनी प्लान से तेज चला है। रशिया ने जो प्लान बनाई थी तो उस प्लान में ये था कि जब मैं यूक्रेन को इन्वेड करूंगा तो नेटो फोर्सेस आ जाएंगे, इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसने अपनी प्लान उसके हिसाब से बनाई थी, वो तो हुआ ही नहीं, ना तो नेटो फोर्सेस आए और ना ही उसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया। तो रशिया के हिसाब से तो ये प्लान वन जो वो कंप्लीट करना चाहता था हो गई, यानी कि डीमिलिटराइजेशन हो गया, करीब 180 में से 160 एयरफील्ड खत्म, 150 में से 130 एयरक्राफ्ट खत्म, इतने ही करीब करीब एयर डिफेंस सिस्टम खत्म, तो डीमिलिटराइजेशन उसने कर लिया। उसकी दूसरी प्लान थी कि मैं यूक्रेन को फ्रेगमेंट करूं, वो फ्रेगमेंट करीब करीब हो गया। एक तो पूर्वी एरिया जिसमें LPR और DPR यानी कि डोनबास का एरिया, और बल्कि वो डोनबास का एरिया केवल LPR और DPR तक नहीं, वो डाइपर नदी तक प्रोबेबली हो सकता है, और दूसरा ब्लैक सी से यूक्रेन के जाने का रास्ता बंद, यानी कि मारियापोल, खेरासन और ये जो सदर्न बेल्ट है इसके ऊपर उसने करीब करीब कब्जा कर लिया, यानी कि यूक्रेन को एक लैंड लॉक कंट्री बना दिया। तीन हिस्से हो गए, पूर्वी हिस्सा, ब्लैक सागर का हिस्सा और एक यूक्रेन इटसेल्फ, तो उसके पूरे हो गए। लेकिन उसका एम, उसने जो अभी फेज टू शुरू किया है, ये बताता है कि ही इज नॉट लिमिटेड टू यूक्रेन अलोन, देयर इज समथिंग मोर, और जो समथिंग मोर है
वो पोलैंड और लिथुनिया से स्टार्ट होगी और आगे कहां तक जाएगी ये समय बताएगा। ऐसा ना रहा होता तो उसने अपनी दो न्यूक्लियर सबमरीन नॉर्थ एटलांटिक में और खासतौर पर जापान के पास जो आइलैंड है, बताइए 8000 किलोमीटर दूर उस आइलैंड के ऊपर 3000 ट्रूप के साथ अपनी न्यूक्लियर मिसाइल के साथ एक्सरसाइज करने की इस समय क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल। और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हुई है, आज से नहीं हुई है, चाइना से पहले ओके लिया गया है। चाइना ने यह कहा है कि मैं राजनीतिक समर्थन दूंगा और तब रशिया ने यह अटैक किया है। तो ये अटैक इज नॉट लिमिटेड टू यूक्रेन। अभी हमको शुरू में लगा था कि शायद ऐसा हो, शायद लड़ाई ना हो, लेकिन अब सिचुएशन खुलती नजर आ रही है कि नाउ इट इज गोइंग टू स्प्रेड फर्दर। बिल्कुल चौहान साहब, क्या आप भी यही कहेंगे क्योंकि फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है जिस तरीके से टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं और सेकंड फेज की शुरुआत हो चुकी है, अब सेकंड फेज में क्या क्या चीजें रहने वाली होगी, खासतौर पर रशिया और क्या कर सकता है इस सेकंड फेज का, जब अभी टीपी त्यागी भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए हर चीज, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे डेवल से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो बेसिकली है पुतिन और बाइडेन की है, यूक्रेन का तो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, बाइडेन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था पुतिन के खिलाफ, क्योंकि उसके स्टेटमेंट गलत नहीं थी, पर उन्होंने ये भी कहा था और बाद में उनको कहा, नहीं मेरा कहने का मतलब, उन्होंने कहा था कि मैं पुतिन यहाँ पे ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली उन्होंने हिंट दिया था कि रशिया के अंदर जो है शासन वो चेंज करना चाहते हैं बाइडेन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बात लड़ाई यूक्रेन में चल रही है और जो बाइडेन रशिया के अंदर पूरा रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितना क्या है। तो पुतिन का भी एम बहुत क्लियर है इस टाइम, वो किसी न किसी तरह से नाटो कंट्रीज को इसके अंदर ट्रैप में लाना चाहते हैं। नाटो कंट्रीज को अब पुतिन ने डिसाइड किया है कि आपको वार में आना पड़ेगा। और एक यही रीजन है, जैसे त्यागी सर ने भी कहा है, कि अब इस वार को वो लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ये वार लंबी खींचेगी दो तरह प्रॉब्लम आएगी। एक तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो देश हैं उनके आपस में रिफ्ट होगी, क्योंकि क्या यूरोपियन कंट्रीज के काफी देश हैं टोटली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है आयरलैंड गैस के लिए। अभी आप अमेरिका चाहे जितना कह दें कि मैं आपको सप्लाई करूंगा, लेकिन सप्लाई देखिए सप्लाई होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और प्रोडक्शन को आप एक दिन में नहीं बढ़ा सकते हैं। अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था सऊदी बाकी कंट्रीज से, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, आप अपना आउटपुट वो बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, और सीधा उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे दो चीजें दी थी कि जो रशिया की कमी है वो पूरी हो जाएगी और दूसरी चीज प्राइस से प्राइस रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो यूरोपियन कंट्री को कंप्लीट सप्लाई दे पाए, तो ऐसे में क्या होगा। और अब रशिया ने वेरी क्लियरली कह दिया है कि देखिए अगर पहला तो पेमेंट आपको रूबल में करना पड़ेगा, दूसरा आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको कोई सप्लाई नहीं करेंगे। नाउ क्राइसिस क्या हो गई है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी आ गई है, तो ये भी एक रिफ्ट होगी। तो ये रशिया का एक गेम प्लान है कि इसको इतना लंबा खींच दो कि एक जो क्रेडिबिलिटी है बाइडेन की या अमेरिका की वो और स्टेक पे आ जाए, क्योंकि बेसिकली क्या है नाटो कंट्रीज बाइडेन के पीछे खड़ी थी। अभी ये देखिए नाटो कंट्रीज में सारी कंट्रीज इस टाइम इनके साथ में नहीं है, तो ये सब चीजें जो है पुतिन ने अपना गेम खेला है और बाइडेन ने अपना गेम खेला, लेकिन बाइडेन से जुड़ी एक खबर आ रही है चौहान साहब, उस पर आपसे सवाल लेना चाहूंगा। एक खबर अपने दर्शकों को बता देता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि रूस के विदेश मंत्री साहब भारत आने वाले हैं और उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से आपको बता देते हैं, क्योंकि आज 35वां दिन जंग का है, तो अमेरिका की भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश लगातार हो रही है। जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है और जानकारी इस वक्त की बड़ी आ रही है वो आपको पहुंचा रहा है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री से पहले बाइडेन ने अपना विशेष दूत भेजने का ऐलान किया है भारत के अंदर, और जानकारी इस वक्त की बड़ी हम आपको दे रहे हैं कि अमेरिका आखिर क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि गेम प्लान इस वक्त चल रहा है जिस तरीके से चौहान साहब बता रहे थे। भारत आएंगे बाइडेन के शीर्ष सलाहकार दलीप सिंह, कि कहा जाता है कि उनका भारत आना होगा रूसी विदेश मंत्री से पहले, और ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? टीपी त्यागी साहब, मैं आपके पास आता हूं। चौहान साहब, जिस तरीके से अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं कि प्लानिंग पूरी तरीके से चल रही है और भारत का यहां पर जिक्र करें तो भारत की कैसी रणनीति है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन रूसी विदेश मंत्री के आने से पहले क्या वाकई कोई प्लानिंग अमेरिका की है?
देखिए अमेरिका की प्लानिंग कुछ भी हो, जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की हो सकती है उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की है एशिया के अंदर, आप सब समझते हैं। और शायद इसीलिए क्वेड बनाया गया था, और शायद इसीलिए भारत अमेरिका से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर हम अमेरिका से अलग होते हैं या उनका साथ नहीं देते हैं तो क्वेड कमजोर हो। लेकिन इक्वली द कोरोलरी इज इक्वली ट्रू, अगर हम रशिया से अलग होते हैं तो वो जो हमने 2030 तक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है वो कटाई में पड़ जाएगा। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रशिया कर रहा है इंडिया को वो हमें नहीं मिल पाएगी। और एक अभी जो पर्टिनेंट बात है वो ये कि रशिया हमको, हम उससे 3% करीब अपनी ऑयल लेते थे, अब रशिया ने कहा कि मैं आपको और ऑयल दूंगा और 30% कम कीमत पे दूंगा। और उसने ये भी कहा कि मैं जिन जहाजों में तेल को भेजूंगा काला सागर में होके वो आएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, और इतना ही नहीं जो उनका इंश्योरेंस होगा वो भी मेरी। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इट कम्स टू अबाउट 10,000 करोड़ पर डे, 10,000 करोड़ रुपए एक दिन में। क्या इस किस्म की डील अगर अमेरिका को मिली हुई थी तो क्या वो मना कर देता? तो ये हमारे देश के हित का सवाल है, लिहाजा हमने कहा ओके एंड वी हैव स्टार्टेड इट, तो नाउ वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया आल्सो एंड अगेंस्ट अमेरिका आल्सो। पर यही हमारी ड्यूटी है, हमारा बीच में बने रहना और संधि की बात करते रहना। ये हमारी स्पेशलिटी आज इसलिए बन गई कि दुनिया में सारे लीडर बड़े हैं, सारे लीडर इफेक्टिव हैं, सारे लीडर रोबस्ट हैं, लेकिन एक भी लीडर इतना होने के साथ साथ सम्मानित नहीं है, रेस्पेक्टेबल नहीं है। भारत का लीडर जो है वो इफेक्टिव तो है ही है, रेस्पेक्टेबल भी है, और इसलिए सारे देश पूछ रहे हैं। और इसलिए हमें ये मेंटेन करना चाहिए कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, यही हम कह सकते हैं। वी शुड नॉट गो टू एनी साइड एट द मोमेंट। बिल्कुल स्वागत है। क्या भारत, एक और फायदा है इसमें, एक और फायदा जी जी, ये इस वक्त होने में दरअसल में रिक और ब्रिक, रिक का मतलब आ रहा है इसी, यानी कि रशिया इंडिया चाइना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू कम ऑन वन पे। एंड सिमिलरली ब्रिक, ब्रिक की अभी होने वाली है मीटिंग चाइना में, और पहले जब ब्रिक की मीटिंग हुई थी तो डोकलाम का इशू चाइना ने रिजॉल्व कर दिया था, अब जो ब्रिक की मीटिंग होगी वो उसमें मोदी जी को बुलाना चाहते हैं। उनका टोटल एम ये है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी चाइना आ जाए ब्रिक की मीटिंग में, और उससे पहले हमारा एम ये है कि लद्दाख का इशू रिजॉल्व कर दो, हम जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। चौहान साहब क्या बात सही है, क्योंकि भारत क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि शांति दूत की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत के ऊपर हैं, और हम देख रहे हैं कि तमाम जो विदेश मंत्री हैं और बाहर के नेता हैं, जो वर्ल्ड के नेता हैं, वो भारत का रुख इस वक्त कर रहे हैं। तो ये जो छवि बन रही है वो आगे आने वाले समय के लिए क्या दिखा रहा है, कैसी तस्वीर आप देख पाए चौहान साहब? देखिए जी, एक तो वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज हो रहा है और उसके अंदर भारत का एक अपना स्थान बनता जा रहा है। बहरहाल देखिए, हर देश जो है बाकी देश भारत से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और यूक्रेन क्राइसिस के अंदर भी हर देश भारत के कांटेक्ट के अंदर है। इनिशियली अमेरिका ने समझा था कि शायद भारत उनके दबाव में आ जाएगा और भारत का इंक्लाइनेशन की तरफ जाएगा, और यही रीजन था बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो भारत है वो एक सेकी विकेट के ऊपर है। लेकिन उसके जवाब में भारत ने बहुत क्लियर कर दिया कि जो भारत की पॉलिसी है वो अपने देश का हित लेके चलेगी, और उसने इसके ऊपर कोई ध्यान, इमीडिएटली उनका स्टेटमेंट आ गया, नहीं जो क्वाड के अंदर हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, हम एक साथ हैं, फर्स्ट से बाइडेन ने अपना स्टैंड चेंज किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था। और आपने ये भी देखा होगा इस टाइम जो विजिट्स हो रही है इंडिया में, अभी जैसे इसराइल से विजिट होनी थी, ऑफकोर्स वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ जो है कोविड के, तो कोविड इनको हो गया तो उसको पोस्टपोन करना पड़ा उनको। बाकी इस रशियन जो है विजिट होनी थी इंडिया में, उससे पहले जो बाइडेन अपना रेप भेजना चाहते हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी जो बाइडेन का एक और है कि कम से कम इंडिया अगर उनके साथ नहीं आ रहा है तो इंडिया रशिया की तरफ से न्यूट्रल हो जाए, रशिया की तरफ ना इंक्लाइनेशन होने पाए, ये भी चीज जो बाइडेन का होगा, क्योंकि ये चीज भी माने रखेगी। दूसरी चीज क्या है, जो बाइडेन ये भी चाहते हैं कि कम से कम इंडिया बाकी देशों को इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि जो बाकी देश अमेरिका के साथ खड़े हैं वो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन ऐसा शायद होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया ने बहुत क्लियर किया हुआ है
कि ना तो मैं रशिया के साथ हूं, ना किसी देश के साथ हूं, मैं एक जो न्यूट्रल पॉलिसी है, जो एक हित की बात होगी किसी भी देश के, उसके ऊपर बात करूंगा। यही देखिए, इससे बार बार अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो यूक्रेन प्रेसिडेंट के भी कॉन्टेक्ट में है और रशियन प्रेसिडेंट के भी कॉन्टेक्ट में, दोनों के कॉन्टेक्ट में है। उनकी लंबी लंबी वार्ता हुई और हर बार उन्होंने एक ही चीज कही है कि आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे आके बातचीत करना चाहिए और ये जो क्राइसिस है इसको खत्म करना चाहिए। और ये शायद केवल भारत कर रहा है, जबकि बाकी नाटो कंट्रीज एक बार भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आके बैठ के बातचीत कीजिए। अगर आज बाइडेन पुतिन से बात कर लेते हैं तो शायद क्राइसिस खत्म हो जाए। आपको बाइडेन ने हिंट दिया है अभी कि वो उसके वार्ता करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि ये सीज़फ़ायर से पहले हो जाए, लेकिन वो होगी नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो कंडीशन थिंग चल रही है, ये अपने आप में जो नाटो कंट्रीज का गेम है वो एक तरह से रशिया के अगेंस्ट है और रशिया नाटो को एक्सपोज करने के लिए है। ऐसे में भारत जो है न्यूट्रल होके अपनी न्यूट्रल पॉलिसी, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ना कहीं ये अच्छी सिचुएशन है। चौहान साहब फटाफट से प्लीज। ये एक अच्छी सिचुएशन है, इस चीज को शायद बाकी सारे देश भी प्रेज कर रहे हैं कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड है ये करेक्ट स्टैंड है। क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया है, भारत के प्राइम मिनिस्टर की रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है बाकी देशों में कि वो सभी के देश उनके हित के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत किसी का एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता है, मतलब उसका नाजायज फायदा नहीं उठाता। तो एक क्रेडिबिलिटी बन गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भारत की कि भारत एक देश है जो क्राइसिस में आपके साथ मदद में खड़ा होगा। बिल्कुल, और हाँ, श्रान साहब मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही था और जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वाकई समझ में आ रहा है और आगे वाली सिचुएशन ऐसे ही देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीपी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि सवाल यही है कि जंग का अंत कब होगा और इस सवाल का जवाब हम लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। महाकवरेज जारी, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है।